हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और पावरफुल वीडियो में। इस वीडियो को शुरू से एंड तक सुन लेना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोग हैं जो लोग अभी तक पाप करते हैं, जो लोग परमेश्वर को जान लिए फिर भी पाप करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं कि प्रभु को जानकर भी पाप करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानकर फिर पाप करते हैं, मसीह में होकर संसार में चलते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग संसार में होके मसीह के पीछे चलते हैं। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो संसार में होके मसीह के पीछे चलते हैं। जिस दिन प्रभु आएगा उस दिन उन सारे लोगों को अपने साथ ले जाएगा। और जो लोग मेरे प्रिय भाई और बहनों मसीह में होकर पाप करते हैं उन्हें छोड़ देगा, उन्हें यहीं पर छोड़ देगा। और जब अगर गलती से भी यहाँ पे अगर रह गए, आप गलती से भी अगर यहाँ छूट गए, तो याद रखना कौन बुरा हाल होगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। चलिए इस पर हम एक वचन पढ़ देते हैं, मत्ती अध्याय 7 का 13 वचन पढ़ते हैं। संकेत फाटक से प्रवेश करो, चौड़ा है वह मार्ग और चकला है वह फाटक जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर वचन साफ खुलासा कर रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि आज के दिन में लोग चौड़े फाटक से प्रवेश करते हैं। क्योंकि चौड़े फाटक से बहुत लोग प्रवेश करते हैं और सकरे फाटक से बहुत कम लोग जाते हैं। क्योंकि जो सकरा है वह मार्ग जो जीवन को देता है, और चकला है वह फाटक जो विनाश को पहुंचाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तब यहाँ पर दो चुनाव हैं, आप चुन लीजिए जिसको चुनना है, जीवन या मौत, जीवन फिर या मौत। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन को चुनो या मौत को। अगर जीवन को चुनना है तो संकेत फाटक से प्रवेश करो, और मौत को चुनना है तो चौड़े फाटक से प्रवेश करो। क्योंकि बहुत हैं जो चौड़े फाटक से प्रवेश करते हैं। आज लोगों को पाप, व्यभिचार, गलत काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, याद रखना जिस दिन परमेश्वर आएगा उस दिन उनको नहीं ले जाएगा जो लोग चौड़े फाटक से प्रवेश करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही लोगों को ले जाएगा जो लोग संकेत फाटक से प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकेत फाटक वो है जो जीवन को देता है। क्योंकि संकेत फाटक मेरा प्रभु यीशु मसीह है, वो जीवन को देता है। तो आप लोग याद रखना मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग जो पाप करते हो, इन पापों का अंत है, इनका न्याय होगा, शुद्ध सिंहासन के सामने न्याय होगा। हर एक बातों का लेखा देने को पड़ेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। जिस शरीर में आप पाप करते हो वही शरीर पहना के आपका न्याय होगा शुद्ध सिंहासन के सामने। उस समय ना किसी का जोर ना सिफारिश नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु न्याय करेगा और न्याय करके बस उसी नर्क की आग में डाल देगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए अभी सावधान हो जाओ और भी सुधार लो अपने आप को, बचा लो अपने आप को, पाप करना बंद कर दीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप करना बंद कर दीजिए। और जो पाप हुए हैं उन पापों को एक एक पाप आप प्रभु के सामने अगर अंगीकार कर दोगे तो प्रभु अभी आपको माफ कर देगा।
और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे बनो कि जिस दिन प्रभु आए, प्रभु के साथ चले जाओ, प्रभु के साथ चले जाओ, बहुत ही अच्छी बात है। गलती से भी यहाँ अगर छूट गए तो मसीह विरोधी आपका गला कटवा देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, याद रखना, अगर गलती से यहाँ छूट गए तो क्या हाल होगा। अगर जड़ा से भी पैर में कांटा चुभ जाता है, कितनी दर्द होती मेरे प्रियजनों, आप जरा सोच के देखो। और जब परमेश्वर अगर उस आग के झील में फेंक देगा तो क्या हाल होगा, क्योंकि उसमें तड़पना होगा। जैसे यहाँ पाप करते हो, अच्छा लग रहा है, आप सभी को जय मसीह की।